जयपुर की सभी 262 सेवा बस्तियों में सेवा भारती की ओर से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी शुरुआत हरमाड़ा क्षेत्र की बालाजी विहार सेवा भारती बस्ती से की गई। सेवा भारती के जयपुर प्रांत महिला कार्य प्रमुख अनिल शुक्ला ने बताया कि सेवा बस्तियों में निर्भया स्काउट की सहायता से बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेवा भारतीय संगठन एक ये अखिल भारतीय संगठन है, हिंदुस्तान के 45 प्रांतों में काम कर रहे हैं। ये अभी जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है किशोर विकास प्रकल्प के तहत चलाया जा रहा है, हमारे जितनी भी सेवा बस्तियाँ हैं जयपुर में लगभग स्लम एरिया जो है 362 सेवा बस्तियाँ, उन सेवा बस्ती की किशोरियों को जो आत्मनिर्भर बने, आप स्वाभिमान जागृत हो और उनको अनआर्म कॉम्बैट मतलब बिना हत्या की लड़ाई जो भी कार्यक्रम को सिखाया जा रहा है ये, और सारी हेल्पलाइन जो होती है वो भी इनको बताई जा रही है। निर्भय स्पॉट राजस्थान पुलिस से, जयपुर से, कमिश्नर से महिलाओं के लिए महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए 5 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हम महिलाओं को राजस्थान पुलिस से किस तरह से हेल्प लेनी है, हेल्प नंबर बताए गए, और कोई मतलब छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए किस तरह से हमें हेल्प लेनी है। इसमें हमें ये ज़रूरत महसूस है कि हमें और ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर एजुकेशन कम है, इस वजह से बच्चों को और महिलाओं को ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए वो भी ज़रूरत है। और हम सिखा रहे हैं, जो भी जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो बच्चे अच्छे सीख रहे हैं, और जो महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण में जो ट्रिक बताए जा रहे हैं वो भी हम बहुत अच्छी बता रहे हैं। हम अपनी महिला आत्मरक्षा की सुरक्षा के लिए हम कराटे सीख रहे हैं, और हमें राजस्थान पुलिस की तरफ से, हमें सेवा भारती की तरफ से हमें सिखाया जा रहा है। 10 तारीख से हमारा ये 3 दिवसीय हो गया प्रोग्राम चलते हुए, 3 दिन से हमें सिखाया जा रहा है। हमें हेल्पलाइन नंबर बताया गया है, हेल्पलाइन नंबर हमें 87 64 86 60 90 हेल्पलाइन नंबर बताए हैं। हमारी आत्मरक्षा के लिए हमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, हमें कैसे हमारे लिए लड़ना है, हमें कराटे सिखाया गया है, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं हमें, हमारा सहयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3 दिवसीय में प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा।